क्या आपको गाइस जीरो एनर्जी चैम्बर के बारे में पता है? अगर आपको नहीं पता तो आप ये वीडियो देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिल और आप देख रहे हैं फूड टेक्नोलॉजीज, और आज का हमारा टॉपिक है जीरो एनर्जी कूल चैम्बर। अगर मैं गाइस आपसे बात करूँ कि जीरो एनर्जी चैम्बर होता क्या है, तो गाइस जीरो एनर्जी चैम्बर एक प्रिजर्वेशन टेक्निक है जो कि नॉर्मली फ्रूट एंड वेजिटेबल के लिए अप्लाई होती है। जीरो एनर्जी चैम्बर नॉर्मली ट्रॉपिकल रीजन के लिए अप्लाइड होती है, और जो उन फार्मर्स के लिए होती है जो कि रेफ्रिजरेशन अफोर्ड नहीं कर पाते, वो उनके लिए बहुत ही इफिशियंट तरीका होता है अपने वेजिटेबल को प्रिजर्व करने के लिए। तो गाइस नॉर्मली इस चैम्बर पे हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90% तक रखते हैं, और इसमें हमारा टेम्परेचर ड्रॉप नॉर्मली 10 डिग्री कम होता है बाहर टेम्परेचर से। नॉर्मली 10 टेम्परेचर डिक्रीज होता है आउटसाइड टेम्परेचर में। गाइस अगर मैं आपसे बात करूँ ये जीरो एनर्जी चैम्बर होता बनता कैसे है, तो गाइस इसमें हमारे मेन रिक्वायरमेंट होते हैं, हमें क्या चाहिए होता है, इसमें सैंड चाहिए होती है, हमें ब्रिक चाहिए होता है, इसमें हमें बैम्बू चाहिए होता है नॉर्मली, और हमें पराली चाहिए होती है, और नॉर्मली गुनी बैग्स चाहिए होते हैं। तो गाइस इसमें हम क्या करते हैं, हम पिट खोदते हैं 70 मीटर तक डीप। इसमें गाइस दो पिट खोदोगे, यानी एक ही पिट खोदोगा, जो कि पहला हमारा होगा जो कि 70 सेंटीमीटर तक उसकी वॉल खड़ी होगी, जो कि होगा छोटा चैम्बर, फिर उसके ऊपर बने साइड पे बनेगा, साइड पे ही उसका बन जाएगा। पहले होगा छोटा चैम्बर, फिर होगा बड़ा चैम्बर, और उन दोनों के चैम्बर के बीच में जो डिफरेंस होगा उस वहाँ पे हम डाल देंगे गीली सैंड को डाल देंगे, और साइड साइड पे हम लगा देंगे ड्रिप सिस्टम, और बीच में हम रखेंगे मेन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो कि कैरेट्स में लेके आते हैं, और उसे जो हमारे कैरेट्स होते हैं वो अच्छी तरह से पॉलिथीन बैग से लिपटे होते हैं, वो उसमें बिल्कुल भी वाटर अंदर नहीं आना चाहिए, ना ही उससे कुछ बाहर आना चाहिए, इस तरह से वो पैकेजिंग करी होती है उसमें। तो गैस इसे हम कवर कर देते हैं बैम्बू की स्टिक की कवर होता है जो उससे, और इसे हर दिन में 2 बार हम इस पे ड्रिप सिस्टम के थ्रू हम पानी देते हैं इस चैम्बर को ठंडा होने के लिए। इस चैम्बर से ये फायदा होता है कि ये 10 डिग्री तक टेम्परेचर को डिक्रीज रखता है आउटर टेम्परेचर से। अगर मानते हैं गाइज जीरो एनर्जी चैम्बर में अगर 30 डिग्री टेम्परेचर है तो आउटर होगा 40 डिग्री टेम्परेचर। तो गाइज इसमें नॉर्मली जहाँ पे वाटर सप्लाई बहुत ज़्यादा है वहाँ पे यूज़ होता है ये। फिर गाइज इसमें हम नॉर्मली हम इसके ऊपर एक शेड बना देते हैं जो जिससे वो डायरेक्ट कांटेक्ट पे ना आ सके, जैसे कि सन हो गया और कोई बारिश और बारिश होगी, डायरेक्ट कांटेक्ट पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर हम वैसे ही कुछ इंसुलेटिव कोई स्पेशल कोई वो कवरिंग नहीं रखते, वो नॉर्मली कवरिंग होती है हमारी जो कि बैम्बू स्टिक के थ्रू होती है। तो गाइस यही थी कुछ बात कैसे हम जीरो एनर्जी चैम्बर को बनाते हैं और ये क्या होता है जीरो एनर्जी चैम्बर। अगर आपने गाइस ये वीडियो को ना लाइक किया है, ना सब्सक्राइब किया है, ना कमेंट किया है, तो गाइस अभी लाइक कर दीजिए, अभी कमेंट कर दीजिए, और अभी शेयर कर दीजिए, और उस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू गाइस।